अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास सिक्स मैथ की एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का सवाल नंबर एक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंस स्टेट अ रूल एंड फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स। तो ये जो दिया हुआ ना सीक्वेंस है, इसकी नेक्स्ट दो वैल्यूज़ जो हैं वो हमने लिखनी है, ठीक है। जैसे ये पार्ट वन है 9, 13, 17, तो ये इससे नेक्स्ट दो जो वैल्यू हैं वो हमने लिखनी है। तो ये रूल भी लिखना है और दो वैल्यू भी लिखनी है, अगली कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो पार्ट वन को सॉल्व करते हैं। 9, 13, 17, एक्सरसाइज 6.1। सवाल नंबर एक पार्ट वन, पार्ट वन है 9, 13, 17 डॉट डॉट डॉट। 9, 13, 17, 9 में हम क्या ऐड करें कि ये 13 बन रहा है, 4 ऐड करने से बन रहा है ना, और 13 में 4 ऐड करने से 17 बन रहा है। 9 में प्लस किया 4 तो ये 13 आया। अब 13 में प्लस 4 ऐड करेंगे तो ये 17 आया। 17 में हम प्लस 4 ऐड करेंगे तो ये नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। 7, 4, 11, 11 का 1, 1 कैरी, 1 और 1, 2, तो ये आ गया 21। अब 21 में 4 ऐड करेंगे, 4 और 1, 5, 2, तो ये आ गया 25। तो जो नेक्स्ट दो वैल्यू हैं वो क्या आ गई, 21 और 25। तो इसका रूल भी लिखते हैं, दो वैल्यूज़ भी लिखते हैं। रूल क्या है, ऐड 4 इन ईच टर्म, ऐड 4 इन ईच टर्म, ईच टर्म यानी कि हर वैल्यू में हमने 4 ऐड करना है टू गेट नेक्स्ट टर्म, टू गेट नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। सो द नेक्स्ट नेक्स्ट टू विल बी कौन कौन सी होंगी, 21 और 25। यही हमने लिखना था। तो ये पार्ट वन कंप्लीट हो गया। पार्ट टू, 277, 287, 297 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसमें क्या ऐड करने से नंबर अगला बन रहा है, 10 को ऐड करने से बन रहा है ना, तो यही इसका रोल है, यानी कि हर वैल्यू में हमने 10 ऐड करना है। पार्ट टू, 277, 287, 297, यानी कि हर वैल्यू में 10 ऐड करेंगे तो अगला नंबर बन रहा है। Add 10 in each term, in each term to get next term, in the sequence. So the next two terms will be, इसमें 10 ऐड करेंगे 297 में, 297 इसमें 10 ऐड करें कितना आएगा, 7, 9 और 1 10, 10 का 0, 1 कैरी, 2 और 1, 3, तो ये आ गया 307, ठीक है, 307। एंड 307 में 10 ऐड करेंगे तो ये आएगा 317, ठीक है ना, 317। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट टू कंप्लीट हो गया। पार्ट थ्री, क्वेश्चन नंबर वन,
21, 28 और 35 है, ठीक है। तो इसमें हमने रूल फाइंड करना है कि ये नंबर्स कैसे आए हैं। ये देखें, 14 में 7 ऐड करें तो 21 बनता है, 21 में 7 ऐड करें तो 28, 28 में 7 ऐड करें तो 35। इसी तरह से हमने 7 को ऐड करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, 14, 21, 28, 35, ऐड 7 इन ईच टर्म, टू गेट नेक्स्ट टर्म। इन द सीक्वेंस सो द नेक्स्ट टू टर्म्स विल बी, तो नेक्स्ट कौन सी होगी, 35 में 7 ऐड करें, 35 प्लस 7, 7 और 5 12, 12 का 2 एक कैरी, 3 और 1 4, तो ये आ गया 42। एंड 42 में 7 ऐड करें, 42 प्लस 7, 2 प्लस 7 9 4, तो ये आ गया 49। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 का, -84, -82, -80 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये देखें ये नेक्स्ट वैल्यू कैसे आ रही है, -84 में 2 ऐड किया है तो ये -82 आया, ठीक है। -82 में 2 ऐड किया है तो ये -80 आया, ठीक है ना। यानी कि अगला नंबर कैसे मिल रहा है, 2 को ऐड करने से, ठीक है। पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1, -84, -82, -80, ऐड 2। ये देखें -84 है ना, इसमें 2 को ऐड किया है तो ये कितना बनता है, -82, ठीक है, ऐसे बनता है, ठीक है। ऐड टू इन ईच टर्म, टू गेट नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस सो द नेक्स्ट टू टर्म्स विल बी, -80 में 2 ऐड करें, -80 प्लस 2 तो ये क्या आएगा, -78। फिर -78 में 2 ऐड करें तो ये क्या आएगा, -76, तो ये आएगा -78 एंड -76। तो ये दो नेक्स्ट वैल्यूज आ गई, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स इन द सीक्वेंस। तो हमने 3 वैल्यू लिख ली हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट 3 वैल्यू, ठीक है। ये देखें पार्ट 1 है 149, तो इससे अगली 3 वैल्यू लिख ली हैं। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, उसका हमने रूल फाइंड करना है। ये देखें 149, 149, ये देखें 1 का स्केयर लें अगर तो क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1 आएगा ना, 2 का स्केयर 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 का स्केयर
3 मल्टीप्लाई 3 9, ये देखें 149 149, इसी तरह से 4 का स्केयर है, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 5 का स्केयर 5 मल्टीप्लाई 5 तो ये आ गया 25, 6 का स्केयर 3 वैल्यूज आ गई ना, नेक्स्ट 3 वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 6 तो ये आ गया 36 है। तो यही हमने फाइंड करना था 1 4 9 16 ऐसे। तो इसको लिखते हैं, स्केयर द नंबर टू गेट नेक्स्ट टर्म, स्केयर द नंबर टू गेट नेक्स्ट टर्म, सो द नेक्स्ट थ्री टर्म्स, द नेक्स्ट थ्री टर्म्स विल बी, नेक्स्ट थ्री टर्म्स कौन कौन सी हैं, 16 25 और 36, ठीक है, 16 25 36 तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट वन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर टू, पार्ट टू, 89 87 85 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें भी हमने नेक्स्ट थ्री वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ये देखें 89 87 85, ये हमने टू को सब्ट्रैक्ट किया है ना, 89 में से टू को सब्ट्रैक्ट करें तो 87 बनता है, 87 में टू को सब्ट्रैक्ट करें तो 85 बनता है, तो ये टू को सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, पार्ट टू, 89 87 85, सब्ट्रैक्ट टू इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। Subtract 2 in each term to get next term in the sequence. So the next 3 terms will be 89 87 85, 89 में से 2 को subtract किया है तो क्या आया 87, 87 में से 2 को subtract किया है तो यह है 85, 85 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया है तो यह आ गया 83, 83 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 81 आएगा, 81 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आएगा 79, 83 81 79, तो ये 3 टर्म्स आ गई, ठीक है। तो यही हमने फाइंड करना था, 83 81 79, 83 81 79, तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए। तो ये पार्ट टू कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर टू, पार्ट 3, इसमें देखें 12 16 20 डॉट डॉट डॉट, ये देखें 12 में 4 ऐड करें तो 16 बनता है, 16 में 4 ऐड करें तो 20 है, ठीक है ना, 4 ऐड करने से ये सीक्वेंस बनता है, ठीक है। इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू पार्ट 3, 4 इन ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। टू गेट नेक्स्ट टर्म, In the sequence. So the next 3 terms will be, so the next
three terms will be, next three terms, 12, 16, 20 है ना, 12, 12 में 4 ऐड किया तो ये बन गया 16, 16 में 4 ऐड किया तो ये आ गया 20, 20 में 4 ऐड करेंगे तो ये आएगा 24, 24 में 4 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 28, 28 में 4 ऐड करेंगे तो ये आएगा 32, ठीक है ना। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या आएंगी, 24, 28 और 32, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट थ्री कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमने नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी हैं पार्ट फोर में, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इसको देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर टू पार्ट फोर, 1, 1, 2, 3, 5, 8, डॉट डॉट डॉट। ये देखें, 1, 1 को ऐड करें तो ये 2 बन रहा है, फिर 1, 2 को ऐड करें तो 3 बन रहा है, 2, 3 को ऐड करें तो 5 बनता है, 3 और 5 को ऐड करें तो 8 बनता है, ठीक है ना। इसमें क्या रूल है कि पिछली दो वैल्यू को ऐड करेंगे तो अगली वैल्यू बनेगी। ये देखें, 1, 1 को ऐड किया है तो 2 बना है, दो वैल्यू को ऐड करने से बना ना थर्ड नंबर। इसी तरह से 1, 2 को ऐड करेंगे तो 3 बनेगा। इसका रूल लिखते हैं, ऐड टू प्रीवियस टर्म्स इन द सीक्वेंस। To get next term. पिछली दो वैल्यू को ऐड करने से अगली वैल्यू बनती है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस इसका आएगा। इसको हम कैसे लिखते हैं, सो द नेक्स्ट थ्री टर्म्स विल बी ये देखें, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 1 plus 1, 2, फिर 1 plus 2, 3, 2 plus 3, 5, 3 plus 5, 8, 5 plus 8, 5 में 8 ऐड करें तो कितना बनता है, 13, 8 और 13, 8 में 13 ऐड करें तो कितना आएगा, 21 आएगा ना। 13 और 21 को ऐड करते हैं, 13, 21, 3 और 1, 4, 1 और 2, 3, तो ये आएगा 34। तो ये नेक्स्ट थ्री टर्म्स आएंगी, तो ये नेक्स्ट थ्री टर्म्स आएंगी, 13, 21, 34, ठीक है। तो ये सीक्वेंस को हम दोबारा लिखते हैं, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ये देखें 13, 21, 34। तो ये देखें, 1 और 1 को ऐड करने से 2 बनता है, 1 और 2 को ऐड करने से 3, 2 और 3 को ऐड करने से 5, 3 और 5 को ऐड करें तो 8 बनता है, 5 और 8 को ऐड करें तो 13 बनता है, 8 और 13 को ऐड करें तो 21 बनता है। इसी तरह से इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 34 बनेगा, ठीक है ना। तो ये इसका सीक्वेंस है। तो ये पार्ट फोर कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।